हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एंटीटॉक्सिन के बारे में स्टडी करेंगे। एंटीटॉक्सिन को पढ़ने से पहले टॉक्सिन के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप टॉक्सिन के बारे में नहीं जानेंगे एंटीटॉक्सिन को नहीं समझ सकते। तो एंटीटॉक्सिन को समझने से पहले आपको टॉक्सिन के बारे में समझना होगा। इसके लिए आप मेरे चैनल पर जाकर के टॉक्सिन का एक वीडियो है उसको देख सकते हैं, और उसमें मैंने पूरी डिटेल से स्टडी करा रखी कि आखिर टॉक्सिन होते क्या हैं। इस वीडियो में मैं आपको टॉक्सिन का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन कर देती हूँ कि टॉक्सिन क्या होते हैं। कि टॉक्सिन होते हैं जो पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं, जो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू क्या किया जाता है, रिलीज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी में कोई भी वायरस है, बैक्टीरिया, जैसे ही कोई एंटर करता है तो क्या करता है, वो एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है। उसके अगेंस्ट फिर क्या करती है, हमारी बॉडी क्या बनाती है, एंटीबॉडीज बनाती है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो यहाँ पर टॉक्सिन तो क्या हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो पॉइजनस सब्सटेंस रिलीज किया जाता है, और एंटीटॉक्सिन हो गया टॉक्सिन के अगेंस्ट जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, एंटीबॉडीज भी कह सकते हैं, जो हमारी बॉडी रिलीज करती है। जैसे ही कोई हमारी बॉडी में कोई पैथोजन बैक्टीरिया एंटर करता है तो उसको फाइट करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए हमारी बॉडी क्या बनाती है, एंटीबॉडीज बनाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटीटॉक्सिन बोलते हैं। तो ये तो मैंने क्या बताया, इसको आपको एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन बता दिया इसका कि एंटीटॉक्सिन और टॉक्सिन में क्या डिफरेंस हो सकता है। अब मैं आपको इस वीडियो में एंटीटॉक्सिन कैसे बनाया जाता है किसी भी डिजीज का, वो हम स्टेप बाय स्टेप इसमें स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम एंटीटॉक्सिन का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि एंटीटॉक्सिन का इंट्रोडक्शन क्या है ना। इसका इंट्रोडक्शन है, इट इज एन एंटीबॉडीज दैट इज कैपेबल ऑफ न्यूट्रलाइज द स्पेसिफिक टॉक्सिन। जो एंटीटॉक्सिन होते हैं ये क्या होता है, एंटीबॉडीज होते हैं जो क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं किसको, स्पेसिफिक टॉक्सिन को। कोई भी टॉक्सिन है जैसे ही बॉडी में एंटर करता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या बनते हैं, एंटीबॉडीज बनते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, एंटीटॉक्सिन कहते हैं। और क्या होता है, नेक्स्ट है, इट इज प्रोड्यूस इन एनिमल। ये एनिमल में प्रोड्यूस होते हैं किसके लिए, फॉर मेडिकल पर्पज बाय इंजेक्शन ऑफ ए टॉक्सिन। कोई भी हमें इसको जैसे बनाना है, एंटीटॉक्सिन को प्रिपेयर करना है, उसकी प्रोसेस है कि इसको किस में बनाया जाता है, एनिमल्स में बनाया जाता है, ठीक है, और किसके लिए, मेडिकल पर्पस के लिए बनाया जाता है, जैसे वैक्सीनेशन वगैरह वगैरह, जैसे टिटनस का है, डिफ्थीरिया का है। तो इनके जो वैक्सीन बनते हैं वो एंटीटॉक्सिन के थ्रू ही बनते हैं। इसमें क्या करते हैं, टॉक्सिन होता है और उसको एनिमल्स के बॉडी में क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, और उसके अगेंस्ट क्या बनते हैं, उसमें एंटीटॉक्सिन बनते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप है सब कुछ, ठीक है, किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है एंटीटॉक्सिन किसी एनिमल्स में, वो मैं आपको इसी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, और किस तरह से प्रिपेयर की जाती है एक एंटीटॉक्सिन वो मैं डिटेल में इसमें बताऊंगी, ठीक है। इसमें जो डिस्कवर किया था एंटीटॉक्सिन को, सबसे पहले किसने किया था, एमिल वॉन बेरिंग ने किया था, ठीक है। ये कई बार क्या है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ जाते हैं, तो आप इस चीज को ध्यान रखें। नेक्स्ट अब हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एंटीटॉक्सिन। यहाँ पे मैंने एक डिप्थीरिया का एग्जाम्पल लिया है। डिप्थीरिया की जो वैक्सीन है, ठीक है, वो किस तरह से बनाई जाती है, डिप्थीरिया का जो एंटीटॉक्सिन है वो किस तरह से बनाया जाता है, उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं डिप्थीरिया के होता क्या है। डिप्थीरिया क्या है, कॉज बाय एक्सोटॉक्सिन ऑफ कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया। जो डिप्थीरिया है वो एक कोरोनोबैक्टीरियम जो डिप्थीरिया है उस थ्रू, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से क्या होता है, ये फैलता है। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ये जो टॉक्सिन होता है वो कैसा होता है, एक्सोटॉक्सिन होता है। टॉक्सिन कितने टाइप्स के होते हैं, मेनली टू टाइप्स के होते हैं, एंडोटॉक्सिन होता है और एक होता है एक्सोटॉक्सिन। अगर आपको इनके बारे में डिटेल से जानना है, एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन क्या होता है, तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर के वो देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको डिटेल में इसकी स्टडी करा रखी है, एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो डिप्थीरिया होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके साइंस सिम्टम क्या होते हैं। इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ साइट ऑफ इन्फेक्शन। जहां पर भी इन्फेक्शन है वहां पर क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है।
फीवर होता है, इसमें हेडेक होता है, सॉर थ्रोट होता है, गले में खरास होती है, ठीक है, और मायोकार्डियल डैमेज भी हो सकता है इसके अंदर। ये इसके साइन सिम्टम है डिप्थीरिया के। अब जो डिप्थीरिया है, एंटीटॉक्सिन इज प्रिपेयर फ्रॉम द हॉर्स सीरम। इसको जो प्रिपेयर किया जाता है वो किससे प्रिपेयर करते हैं, हॉर्स के सीरम से प्रिपेयर किया जाता है इसका। एंड इट इज यूज फॉर इमीडिएट प्रोटेक्शन। इस एंटीटॉक्सिन का जो यूज करते हैं वो किसके लिए करते हैं, इमीडिएट प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। मतलब तुरंत इसको क्या करते हैं, इससे प्रोटेक्शन मिलती है। ये क्या होता है, रेड मीट एंटीबॉडीज ही होते हैं। ये एंटीबॉडीज क्या करते हैं, डिप्थीरिया से क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। किस तरह के देते हैं, इमीडिएट प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। एंड इट इज अ काइंड ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। ये जो इम्यूनिटी देते हैं एंटीटॉक्सिन से, हम क्या लेते हैं, इसमें इम्यूनिटी होती है। इम्यूनिटी के बारे में अगर और भी आपको डिटेल से स्टडी करनी है तो इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है कि इम्यूनिटी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, ठीक है, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। तो ये जो इम्यूनिटी देता है वो कौन सी होता है, पैसिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव इम्यूनाइजेशन हमें इससे मिलती है, एक तो होती है एक्टिव इम्यूनाइजेशन होती है और एक होती है पैसिव। एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या होती है कि वो जैसे ही कोई हमारी बॉडी के अंदर वायरस या बैक्टीरिया एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट क्या बनते हैं, एंटीबॉडीज बनते हैं। तो वो जो इम्यूनिटी होती है वो कैसी होती है, एक्टिव होती है। और पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, रेडीमेड जो एंटीबॉडीज है वो बॉडी के अंदर क्या किया जाता है, एंटर किया जाता है। तो उस इम्यूनिटी को हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो ये तो क्या था, इसका जनरल इंट्रोडक्शन बताया था डिप्थीरिया का, ठीक है, किस किस तरह से होता है और इसके क्या क्या इसके साइन सिम्टम है। अब हम देखते हैं कि जो एंटीटॉक्सिन प्रिपेयर किया जाता है वो किस तरह से करते हैं। यहां पर कुछ स्टेप्स दे रखी है मैंने, इन स्टेप्स को आप ध्यान में रखें और इस स्टेप को हम वन बाय वन करके डिटेल में स्टडी करेंगे कि किस तरह से एक एंटीटॉक्सिन बनाया जाता है। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, कल्चरिंग ऑफ स्ट्रेन। देन सेकेंड जो स्टेप है उसमें सिलेक्शन ऑफ एनिमल, देन इम्यूनाइजेशन, कलेक्शन ऑफ ब्लड, रेस्टिंग पीरियड, देन है सिक्स स्टेप है हमारा कलेक्शन ऑफ ब्लड, नेक्स्ट स्टोरेज है, सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन एंड यूज। ये 10 स्टेप हैं, इनके थ्रू हम क्या करते हैं, डिप्थीरिया का एंटीटॉक्सिन बनाते हैं। तो हम इसमें वन वन करके एक एक स्टेप को लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट स्टेप, कल्चरिंग ऑफ स्ट्रेन। नेक्स्ट है, फर्स्ट स्टेप है कल्चरिंग ऑफ स्ट्रेन। इसमें क्या करते हैं, प्योर डिप्थीरिया इज आइसोलेटेड एंड प्योर कल्चर इज ग्रोन इन कल्चर मीडिया एट 37 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले डिप्थीरिया का क्या ले लेते हैं, हम सेपरेट कर लेते हैं, डिप्थीरिया का वायरस है डिप्थीरिया का, इसको हम क्या करते हैं सेपरेट कर लेते हैं। उसके बाद उसको हम कल्चर करते हैं किसके अंतर्गत, इस मीडिया में करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। कितने दिनों के लिए, 4 से 7 डेज तक इसको हम कल्चर करेंगे, ठीक है, इसकी ग्रो करेंगे, ग्रोथ करेंगे इसकी ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेन की। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 0.5% फिनोल इसमें ऐड करेंगे। अब ये करने के बाद एड एंड कोट टॉक्सिन इन रिसीव्ड थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्ट्रेशन। अब इसका हम क्या करेंगे, प्रूफ फिल्ट्रेशन कर देंगे और इससे हम क्या ले लेंगे, टॉक्सिन ले लेंगे इसको, ठीक है। अब हमारे पास आ गया ये टॉक्सिन किसका, डिप्थीरिया का, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, कल्चरिंग करी हमने, स्ट्रेन लिया, ठीक है, उसको क्या कर दिया, उसको हमने फिल्ट्रेशन करने के बाद उससे हमने ले लिया है टॉक्सिन। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ एनिमल। अब हमें क्या करना है, उस जो हमने टॉक्सिन बनाया है उसका टॉक्सिन का कल्चर किया है उसको हमें क्या करना है, एनिमल में इंजेक्ट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनिमल का सिलेक्शन करना पड़ेगा कि कौन से टाइप का एनिमल हमें लेना है। तो इसको करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, हॉर्स का क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। और हॉर्स का ही सिलेक्शन क्यों करते हैं, इसकी रीजन है यहाँ पर कि जनरली हॉर्स आर प्रेफर्ड बिकॉज दे आर लार्ज। एक तो क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है, साइज में बड़े होते हैं, सो दैट मोर ब्लड कैन बी टेकन, ताकि उनसे क्या किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा ब्लड कलेक्ट
किया जा सके, इसलिए हॉर्स को ही क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं इसके लिए द हेल्थ। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले द हेल्दी हॉर्सेज आर ग्रुप्ड एंड आइसोलेट फॉर 7 डेज। तो जो हेल्दी हेल्दी हॉर्सेज हैं 5-6, उनको क्या करते हैं, एक ग्रुप बना देते हैं। उनका ग्रुप बनाने के बाद उनको क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं 7 to 6 डेज तक उनको आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट इसलिए करते हैं, उसमें देखते हैं कि किसी भी तरह की कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई डिजीज तो नहीं है उन हॉर्सेज में, क्योंकि हमें जो टॉक्सिन है उनके अंदर ये इंजेक्ट करना है, उनसे क्या लेना है, एंटीटॉक्सिन लेना है। अगर उनमें किसी भी तरह की डिजीज हुई तो क्या होगा, जो हम एंटीटॉक्सिन बनाएंगे वो उससे क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा और उससे हमें वैक्सीन नहीं मिल पाएगी। तो हम क्या करते हैं, उनको क्या करते हैं, ग्रुप कर लेते हैं और एग्जामिन करते हैं कि उनमें किसी तरह का कोई इन्फेक्शियस डिजीज तो नहीं है। जैसे कि ग्लैंडर, ग्लैंडर एक डिजीज है जो जनरली हॉर्सेज में पाई जाती है, और ये क्या होती है, एक कॉन्टाजिनस इन्फेक्शन होता है हॉर्सेज और डंकीज में, जो किसकी वजह से होता है, ये होता है इन्फेक्शियस एजेंट होता है एक, जिसको बोलते हैं सूडोमोनास मेलाई। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, एक ग्लैंडर नामक डिजीज होती है जो हॉर्सेज और डंकीज में मोस्टली पाई जाती है। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, सेकेंड स्टेप में एनिमल का सिलेक्शन कर लिया। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है, स्टेप नंबर 3, अब हम क्या करेंगे, इम्यूनाइजेशन करेंगे। हॉर्स हमने सेलेक्ट कर लिया, हेल्दी हॉर्सेज ले लिए। ठीक है, उसके बाद हॉर्सेज आर इम्यूनाइज विद डिप्थीरिया टॉक्सॉइड, जो हमने डिप्थीरिया टॉक्सॉइड बनाया था उसको हम अब क्या करेंगे, उसमें इंजेक्ट करेंगे, और कैसे करेंगे, इंट्रामस्कुलर करेंगे। देन आफ्टर फर्स्ट 5 ml ऑफ डिप्थीरिया टॉक्साइड इज इंजेक्ट, क्या करेंगे, इसको 5 ml डिप्थीरिया उसको टॉक्साइड इंजेक्ट करेंगे इनटू हॉर्स टू गेट प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको 5 ml डिप्थीरिया टॉक्साइड इंजेक्ट करेंगे। देन आफ्टर 2 डेज डोज इज इंक्रीज, 2 दिन के बाद हम क्या करेंगे, उसमें डोज में इंक्रीजमेंट करते जाएंगे, उसमें बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, 10 ml कर दिया, फिर 20 कर दिया, फिर 30 कर दिया, इस तरह से हम क्या करेंगे, धीरे धीरे से उसको 600 ml तक क्या करेंगे, उसको टॉक्सॉइड देंगे, इंजेक्ट करेंगे हॉर्स को। देन फोर्थ हमारा जो स्टेप है वो है कलेक्शन ऑफ ब्लड। अब हमें क्या करना है, जो हॉर्स है उससे ब्लड को क्या करना है, कलेक्ट करना है। आफ्टर 10 डेज 10 दिन के बाद क्या करेंगे, ब्लड इज टेस्टेड फॉर एंटीटॉक्सिन। अब हम उससे क्या लेंगे, ब्लड लेंगे किसी हॉर्स से कि उसमें एंटीबॉडीज प्रॉपरली बने हैं या नहीं है, जो हमने टॉक्सिन उसको इंजेक्ट किया है उसके अगेंस्ट। देन 8 liters ऑफ ब्लड इज कलेक्टेड 3 times इन 8 days। 8 days के अंतर्गत हमें क्या लेना है, उससे 8 liters ब्लड लेना है किसी हॉर्स से, और कितने टाइम्स में लेना है, 3 times में, 1 दिन के अंदर, फिर छोड़ के 2 दिन में, 3 दिन में, इस तरह से 8 days के अंदर अंदर हमें क्या करना है, 8 liters ब्लड उससे कलेक्ट करना है। और कहाँ से लेना है, जुगलर वेन से लेना है, जैसे कि आपको इस फिगर में दिख रहा है, ये जुगलर वेन है इसकी नेक के पास में, और इससे हमें क्या लेना है, उसका ब्लड कलेक्ट करना है। ब्लड कलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, द बॉटल शुड कंटेन एंटीकॉगुलेंट, जिस बोतल में हमें उसको क्या करना है, ब्लड को कलेक्ट करना है, वो उसमें क्या होना चाहिए, एंटीकॉगुलेंट होना चाहिए, ताकि जो ब्लड है वो क्लॉट उसमें ना हो। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है, स्टेप नंबर 5, इसके बाद हम क्या करेंगे, रेस्टिंग पीरियड। अब हमने ब्लड हॉर्स से ब्लड तो ले लिया, लेकिन उसको अब क्या करना चाहिए, थोड़ा रेस्ट की भी जरूरत होती है, तो उसको हम क्या देंगे, थोड़ा सा रेस्ट देंगे हॉर्स को। आफ्टर कलेक्शन ऑफ द ब्लड द हॉर्स इज गिवन 10 days रेस्ट। अब हम क्या करेंगे, जो हॉर्स है उसको 10 days का रेस्ट देंगे, लेकिन इस बीच हमें क्या दे देंगे, उसको इन बिटवीन द डिप्थीरिया टॉक्सॉइड इज इंजेक्ट, उसमें डिप्थीरिया का क्या करेंगे, हम टॉक्सॉइड भी इंजेक्ट कर देंगे, ताकि उसकी बॉडी के अंदर क्या बनते रहे, एंटीटॉक्सिन भी बनते रहे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है स्टेप नंबर 6। अब उसमें हम क्या करेंगे, कलेक्शन ऑफ ब्लड, अगेन हम क्या करेंगे, दोबारा से हम उससे जुगलर वेन से क्या लेंगे, उसका ब्लड कलेक्ट करेंगे। देन स्टेप नंबर 7, स्टोरेज। अब हमें क्या करेंगे, जो हमने ब्लड कलेक्ट किया है हॉर्स से, उसको हमें क्या करना है, स्टोर करना है। स्टोर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में उसको ब्लड को स्टोर कर देंगे। स्टेप नंबर 8, सेपरेशन ऑफ सीरम। अब जो हमने ब्लड कलेक्ट किया है हॉर्स से, उससे हमें क्या लेना है, सीरम लेना है। तो सीरम जो हम लेंगे उससे, वो हम सेपरेट करेंगे बाय एडिंग कैल्शियम क्लोराइड। उसमें कैल्शियम क्लोराइड ऐड करेंगे टू द ब्लड एंड देन इट फिल्टर, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको
फिल्टर करके उसका सीरम क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 9। अब जो हमने सीरम लिया उसको क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे। ठीक है, प्यूरिफिकेशन करने से क्या है कि जो हमने हॉर्स से, हॉर्स के ब्लड में से क्या लिया, एंटीटॉक्सिन लिया है, तो हॉर्स से क्या आ सकते हैं, उसके कुछ प्रोटीन्स वगैरह हैं वो भी आ सकते हैं। इसकी वजह से क्या हो सकता है, जब हम उन एंटीटॉक्सिन को किसी दूसरे ह्यूमन बींग्स में या किसी में भी इंजेक्ट करेंगे तो उसमें एनाफाइलेक्टिक शॉक आने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए उसमें से हॉर्स के जो प्रोटीन्स वगैरह हैं उनको हटाना भी जरूरी होता है। तो उनको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, द सीरम इज प्योरिफाइड बाय फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन बाय यूजिंग अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट एंड प्रोटोलाइटिक डाइजेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, इसका प्योरीफाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, द सीरम इज प्योरिफाइड बिकॉज इट कंटेन हॉर्स प्रोटीन एज एल्बुमिन बीटा ग्लोबुलिन। ठीक है, हम उसको क्यों करते हैं, मैंने बताया आपको पहले कि उसमें हॉर्स के क्या रहते हैं, प्रोटीन रहते हैं। तो उनको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको प्योरीफाई करते हैं। और प्योरीफाई करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन मेथड इसमें यूज करते हैं। उनको हटाने के बाद क्यों हटाते हैं, विच कॉज एनाफाइलेटिक शॉक एंड सीरम सिकनेस, क्या हो सकता है उससे, हॉर्स के जो प्रोटीन्स होते हैं उनकी वजह से क्या हो सकता है, एनाफाइलेटिक शॉक होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए उनको हटाना भी जरूरी होता है। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है और ये है लास्ट स्टेप। अब हमने क्या कर लिया, इसका यूज करना है हमें, जो हमने एंटीटॉक्सिन बना लिया है उसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। और ये जो यूज है वो किस तरह से होता है, एज ए पैसिव इम्यूनिटी, जैसे डिप्थीरिया हो गया, टिटनेस हो गया, इसमें जो हम क्या देते हैं, इंजेक्ट करते हैं, वो हमें कौन सी इम्यूनिटी देती है, पैसिव इम्यूनिटी प्रदान करती है। उसमें क्या होता है कि जो रेडीमेड जो एंटीटॉक्सिन है, एंटीबॉडीज है, वो इमीडिएट क्या करते हैं, हमें उससे प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। और इसको हम कैसे देते हैं, सबक्यूटेनियस या इंट्रा मस्कुलर दिया जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको एंटीजोटॉक्सिन है प्रिपेयर कैसे किया जाता है, एक एग्जांपल लिया था हमने डिप्थीरिया का, डिप्थीरिया का एंटीटॉक्सिन किस तरह से प्रिपेयर करते हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।